जय हिंद बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन, शिक्षा और बालक। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन को अगर थोड़े शब्दों में कहना हो तो हम कह सकते हैं एजुकेशन मीन्स चेंज योर बिहेवियर। आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया वही एजुकेशन है। आप शिक्षा लेने जाते हैं, कहीं संस्था में गए हैं, कहीं ट्रेनिंग करने गए, तो आपका पूर्व ज्ञान क्या था और ट्रेनिंग लेने के बाद आपके ज्ञान में क्या बढ़ोतरी हुई, आपके व्यवहार में क्या चेंज हुआ, जिसके बारे में सीखने गए उसके बारे में आपने जो पहले जानते थे अब कितना जान रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या व्यवहार में परिवर्तन हुआ, यही शिक्षा कहलाता है, यही एजुकेशन है। जैसे एक व्यक्ति बाइक सीखने के लिए या कार सीखने के लिए ट्रेनर के पास जाता है तो कार एक महीना दो महीना सीखता है, तो कार के बारे में पहले क्या जानकारी थी कि ये कार में स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है और ये क्लच है, ये सब जो पहले पूर्व ज्ञान था उसके बाद ट्रेनर के द्वारा सीखता है तो फिर अब वो चलाना शुरू करता है तो किस तरीके से चलाया जाता है। अब कार को अगर वो ड्राइव करना सीख गया, चलाने लगा, तो इसका मतलब उन्होंने एजुकेशन कार के बारे में ले लिया, उसके व्यवहार में अब परिवर्तन आ गया। और अगर नहीं ड्राइव कर रहा है, जो पहले जितना ज्ञान था उतना ज्ञान बाद में भी है, तो इसका मतलब कोई ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं हुआ, कोई एजुकेशन नहीं ले पाया। ठीक उसी प्रकार एक बच्चा स्कूल में जाता है, पहले क्या सीखा हुआ है, साल दो साल चार साल पढ़ने के बाद अब उसके अंदर क्या परिवर्तन आया। पहले घर में लड़ाई झगड़ा करता था, माँ बाप की बात को नहीं मानता था, एजुकेशन लिया, कुछ वहां से ज्ञान प्राप्त हुई, अब वो धीरे धीरे उसका सामाजिक और दायरा बढ़ता गया, उसका विकास होने लगा। पहले वो छोटा बच्चा जो है अपने खिलौने को लेता है, किसी और को खेलने नहीं देता है, लेकिन जब खेलना शुरू करता है, बच्चों के साथ मिलना जुलना शुरू करता है, तो उसको ये मालूम है कि और बच्चे कहते हैं कि अरे इसको दूर करो, ये तो झगड़ा करने लगता है, तो उसके अंदर ये भावना आती है कि यानी हम अपने खिलौने को, अपने टिफिन को दूसरे से अगर शेयर नहीं करेंगे तो हमें लोग समाज से या अपने ग्रुप से बाहर कर देंगे। तो उसके मन में भावना जागृत होती है, सामाजिकरण का धीरे धीरे विकास होता है, वो अपने वस्तुओं को भी शेयर करता है, तो अब उसको समझ में आ रहा है कि यानी लोगों से मिलकर रहने में सिक्योरिटी है, अच्छाई है, यानी हमको गुड बॉय कहा जाएगा। तो वो घर पे भी अब व्यवहार में उसके चेंज हो रहा है, यानी वो अब एजुकेशन ले रहा है। सीधी सी बात है, तो एजुकेशन में चेंज योर बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन। पेस्टोलॉजी ने कहा है एजुकेशन मीन्स द नेचुरल हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इननेट पावर। मनुष्य के आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। हमारे स्वामी जी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो शक्तियां विद्यमान हैं, उसको बाहर प्रकट करना, बाहर निकालना, ये शिक्षा है। जिस प्रकार से दो पत्थर ले लीजिए, उसके अंदर अग्नि पहले से विद्यमान है, लेकिन अपने आप तो बाहर प्रकट नहीं होगा जब तक उनको आपस में टकराया न जाए, रगड़ न किया जाए। तो शिक्षक भी हमारे वही काम करते हैं। समस्त ज्ञान बच्चा के अंदर विद्यमान है, तो शिक्षक क्या करते हैं, वो पत्थर टकराने का काम करते हैं। एक मार्गदर्शन, एक माहौल, एक जनरेट किया जाता है, बच्चा स्वयं सीखना शुरू कर देता है, स्वयं सीखना सीखने लगता है। और गांधी जी के अनुसार, गांधी जी ने शिक्षा को कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास होना चाहिए, मतलब मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सामाजिक, सबका सर्वांगीण सर्वोत्कृष्ट विकास ही शिक्षा है। अब्राहम लिंकन भी बताते हैं कि व्यक्ति को पूर्वाग्रह और धर्मांतता जैसे अंधविश्वासों से बचना चाहिए।
बालक को शिक्षा ऐसा दीजिए कि वो, जैसे वो कहावत है कि कौवा कान लेकर गया, तो हम कौवे के पीछे ना भागकर अपने कान को एक बार देख लें कि है सही सलामत, सही जगह है कि नहीं। तो वो बात बालक के अंदर इतना तर्क विकसित करिए, एक शिक्षक को बालक के अंदर इतना तर्क विकसित कर देना चाहिए कि समाज में बहुत सी बातों को, बहुत से परंपराएं, जो धर्मांधता, जो पूर्वाग्रह है, जो चली आ रही है, उसमें उस बातों को काट कर अपने तर्क की कसौटी पर रखकर उसे बात को समझे और उसमें काटे, और जो कसौटी पर सही खरा उतर रहा है उस बात को स्वीकार करे और बाकी को छोड़ दे। केवल हवा में कोई बात कह दिया गया, अब उसी के पीछे केवल पकड़ कर बैठना नहीं है। मतलब बालक के अंदर इतना विवेक जागृत हो जाए कि बहुत से मैसेज, आजकल तो सब सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल, लैपटॉप, तमाम तरह की बात फैलना शुरू हो जाती है। धर्म को लेकर भी फैलना शुरू हो जाती है कि ये आप वहां करिए, वो मीठा उसमें डाल दीजिए, ये इतना कर दीजिए, इतना चढ़ावा चढ़ा दीजिए, तो आपका ये विकास हो जाएगा, वो विकास होगा, किसी अबोध पशु की हत्या कर दीजिए तो ये विकास हो जाएगा। तो ये सब खतरनाक और पूर्वाग्रह है, इसे बच्चों को बचना चाहिए। इतना तर्क उसके अंदर विकसित होनी चाहिए। और गांधी जी ने कहा, सब कुछ खुला छोड़िए, लेकिन बालक के अंदर एक तर्क का छन्नी दिमाग में फिट कर दीजिए, उस सभी बातों को छाने और जो उसके मार्ग में विकास में आगे ले जाए उसको स्वीकार करे, और जो उसके कसौटी पर खरा न उतरे उसको बाहर कर दे। और रही बात बालक, बालक का इसमें क्या रोल है, तो बालक कौन है? बालक वो है जो सीखने की जिज्ञासा रखता है, जानने की या सीखने की जिज्ञासा जिसके अंदर है। सीखने की लालसा या जिज्ञासा, जिसके अंदर सीखने की जिज्ञासा या लालसा है। तो बालक, एक छोटा सा बालक है, वो जब दुनिया में आया है नए, उसको अपने एटमॉस्फेयर में चारों तरफ नए नए चीज देखने को मिल रहा है, वो हर समय समझना चाहता था। एकदम बिल्कुल पालने में जो बच्चा है उसको अगर खिलौना देंगे तो खिलौने को लेगा, अपने जो ज्ञानेन्द्रिया है, आंख, नाक, कान, जीवा, इन सब के हेल्प से वो अपने हाथ से पकड़ता है उस खिलौने को, उसे दबाता है कि देखिए कड़ा है कि नरम है, फिर उसको समझ में आता है कि ये कुछ खाने होने वाला चीज तो नहीं है, मुंह में डालता है, अब उसको उसमें स्वाद दिखाई देता है कि स्वाद इसका कैसा है, फिर खिलौने को हो सकता है फिर थोड़ा नीचे फेंक दे, तो अब आवाज देखता है कि यहाँ पास फेंकने पर कैसा आवाज आ रहा है, फिर दूसरी बार और दूर फेंकता है, अच्छा दूर फेंकेंगे तो आवाज, वो तर्क कर रहा है। खिलौने से ही, पालने में से ही बच्चा सीखने की जिज्ञासा रख रहा है, कोई भी चीज देख रहा है तो उसको टेस्ट करता है, उसको छूता है, भले वो खतरनाक हो, उसे उसको जानकारी नहीं है कि हमारे लिए अच्छा है कि नुकसान है कि अच्छा है, लेकिन उसे पकड़ेगा, छुएगा, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया है, उसका सॉफ्टवेयर अभी फ्री है, कुछ भरा नहीं है, और वातावरण में जो कुछ व्यक्तित्व, बालक का व्यक्तित्व जो है, पर्सनालिटी जो है, पर्सनालिटी जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मिक्सचर है, यानी इसमें कि आपका परिवेश कैसा है और वंशानुगत, इन दोनों के का निचोड़ पर्सनालिटी डेवलप होता है। आपका वातावरण कैसा है, बड़े रसेल ने कहा है कि अधिक स्वतंत्रता देने पर बच्चे जो है पशुता का व्यवहार करने लगते हैं, और सीमित स्वतंत्रता देने पर बच्चों के अंदर मानसिक कुंठा आ जाती है। तो बच्चों को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता भी देना नुकसान है, और बहुत ज्यादा कंट्रोल करना भी उनके व्यक्तित्व विकास में बाधक है। वंशानुगत और परवेश दोनों का से मिलकर पर्सनालिटी बनती है, ज्यादातर तो परवेश को ही मायने रखा गया है। वाटसन ने कहा कि एक
पांच छह साल चार साल का बच्चा हमको दे दीजिए और जो कहिए हम उसको वो बनाकर दिखा देंगे। इतना परिवेश का असर पड़ता है। जो कहा गया है कि जो रहें उत्तम उत्तम प्रगति का कर सकें कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रह भुजंग। तो चंदन के पेड़ पर विष व्याप नहीं फैलता है, चाहे कितना ही सर्प विद्यमान रहे उसमें, कितना ही सर्प लटके रहे, लेकिन एक बालक के ऊपर परिवेश का बहुत असर पड़ता है। वो चंदन का विष के पेड़ के लिए है, यहाँ तो चंदन का पेड़ नहीं है, कोई पाकड़ है, कोई आम है, नीम महुआ ये सब पेड़ है, उस पर विष इन सब का बहुत असर पड़ता है। बालक किसके संगत में है, किसके साथ उठ रहा है बैठ रहा है, इन सब का निचोड़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। सॉफ्टवेयर उसका खाली अभी वातावरण से जो जो चीज मिल रहा है उसमें वो फिट करता जा रहा है और बाद में उसी से प्रेरित होकर वो आगे सब काम करता है। तो और अरस्तु ने भी कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विद्यमान होता है। बालक का स्वास्थ्य कैसा है, परिवेश कैसा है, उसी के हिसाब से उसका मस्तिष्क भी विकसित होता है। हम चारों तरफ इन्वायरमेंट को अच्छा बनाकर रखे हैं तो वो इन्वायरमेंट का उसके ऊपर असर पड़ता है। छोटा बालक अपने माँ बाप से, दादा दादी से, अपने आसपास जिससे मिलता है, सबके व्यक्तित्व का उसके ऊपर असर पड़ता है। और हर बालक यूनिक होता है, हर एक परिवेश का असर बालक के ऊपर होता है। इसलिए वातावरण को अच्छा बनाना होगा। बच्चा मोबाइल ले रहा है, गेम खेल रहा है, बार बार गेम खेलते खेलते कब आप गेम देख रहे हैं कि गेम खेल रहा है, कब गेम खेलते खेलते पता नहीं क्या क्या उसमें देखना शुरू कर देता है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। छोटा बालक है, अभी उसके अंदर जिज्ञासा है, हर चीज देखना जानने की जिज्ञासा है, तो उसको वॉच करने की जरूरत है। हम मोबाइल उसके सामने बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार वीडियो देख रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो क्यों ना बच्चा भी यूज करेगा। और बच्चे को हम मोबाइल देकर थोड़ा देर तक शांत कर रहे हैं, रो रहा है मोबाइल दे दिए, पानी दूध नहीं पी रहा है मोबाइल दे रहे हैं, हर काम के लिए मोबाइल उसको आदत बना दे रहे हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह, उसके पर्सनालिटी उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा वातावरण के साथ रहने दीजिए, प्रकृति के गोद में रहने दीजिए। मोबाइल से रेडिएशन जो निकल रहा है, टीवी से रेडिएशन निकल रहा है, वो सब उसके शारीरिक और मानसिक नैतिक सब पर अवरोध कर रहा है, उसे हारमोनियस डेवलपमेंट, नेचुरल और हारमोनियस डेवलपमेंट में बाधक है ये सब चीज। बच्चा प्रकृति के गोद में रहता है, उसी के साथ खेलता है, उसे जाने अनजाने में सब कुछ सीखता है। बच्चे को वॉच करिए, वो मिट्टी से लेकर घर बना रहा है, आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा है उसके अंदर, वो चीटी वगैरह देख रहा है, आप कहें उसको मत मारिए, उसके अंदर दया भावना विकसित हो रही है, प्रकृति की गोद में है, पेड़ पौधों को देख रहा है, चिड़िया की चहचहाट को सुन रहा है, महसूस कर रहा है, कोई तालाब है, तालाब शांत पानी है, उसमें कंकड़ फेंक कर उसमें हलचल को महसूस कर रहा है, ये जिज्ञासा उसके अंदर विकसित हो रही है। और सिर्फ मोबाइल देकर उसके अंदर की सारी जिज्ञासाएं भावनाएं बाहर के चीज को रोक दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी उसके ऊपर हावी होता चला जा रहा है। और व्यक्ति को, स्टूडेंट को जिस तरीके से सफलता को स्वीकार कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो असफल में भी उसको भी असफलता को भी स्वीकार करिए। बच्चा आपका 90% पाया है, 70% पाया है, 60% पाया है, जो पाया है ठीक है, उसमें कोशिश करिए, अगला स्टेप आए, अगला एग्जाम आए, उसमें और बेटर करने की कोशिश करिए। लेकिन डोंट बी कंपेयर टू एनी अदर स्टूडेंट। हर एक बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अपने में यूनिक है। और टीचर, हम लोगों को विकसित करना है बच्चे के पर्सनल व्यक्तित्व को, केवल व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को डेवलपमेंट नहीं करना है, उसके पर्सनल व्यक्तित्व को, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है। हम एक ही टेक्नोलॉजी पर, एक ही पैटर्न पर सारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। कुछ बच्चा केवल लिख देने से ही समझ जाता है, कुछ को एग्जाम्पल देना पड़ता है, कुछ को उसके इन्वायरमेंट के साथ जोड़कर बताना पड़ता है। तो आप केवल किताबी ज्ञान ही बच्चों को न दें, बच्चे प्रकृति के साथ जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में रहते हैं उससे ज्यादा सीख लेते हैं। अभी क्लास वन का जैसे टॉपिक था, कंप्यूटर सब्जेक्ट था, उसमें मशीन, नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स लिखा हुआ था।
तो अब मशीन क्या है, केवल आप रटा देंगे कि जैसे थ्री इडियट्स में बताए थे रणछोड़दास की मशीन को बताया गया कि हाँ वो है मशीन जो हमारे काम को आसान कर दे, जो घंटों के काम को सेकेंडों मिनटों में कर दे, जो सुविधापूर्ण हो, जो व्यक्ति के जो भी काम है मतलब काम को कम समय में पूरा कर दे, फास्ट कर दे, ये सब सारी मशीन है। तो बच्चों से भी ये कोरिलेट करिए, मैन मेड और नेचुरल थिंग्स की बात है तो मैन मेड, अपने आसपास के एग्जांपल को उठाइए, केवल बुक वाला एग्जांपल नहीं, अपने आसपास के एग्जांपल में नेचुरल थिंग्स क्या है, ये पेड़ पौधे क्या है, क्या इसको मनुष्य बनाया है, मनुष्य ने केवल इसको विकसित करके उसमें पानी वगैरह डालकर इसको बड़ा किया है, लेकिन ये निर्माण कैसे हुआ है, ये चिड़िया वगैरह जो है, पक्षियां हैं, ये सब कैसे आए हैं, ये कछुआ है और ये बादल है, ये धरती है, ये जो सारा अपने एटमॉस्फेयर में है, इन सब को कोरिलेट करके एग्जांपल देकर तो बच्चे ज्यादा जल्दी सीख जाते हैं। और हर बच्चा यूनिक होता है, हर एक बच्चे में यूनिक है, कोई 90% बच्चा पा रहा है नंबर, कोई 70% पा रहा है, तो हमें कंपेयर करने कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कोई बहुत कम नहीं है, सब अपने जगह, सब फिट है, सब सही है, और कोशिश करिए आगे बढ़ने की। लेकिन अगर 70% पाया, 60% पाया तो भी ठीक है, जो 90% पाया है अभी, जिसको हम अधिक कह रहे हैं, जो 95 उसके सामने 95% वाला आ गया तो उससे वो कम हो गया, जो 70% पाया है अगर 60% वाला आ गया तो उसके सामने वो अधिक है। तो ये सब कंपेयर करने पर, कौन अधिक कौन कम है, ये कंपेयर करने पर है, एक ही धरने पर हम सबको नहीं तोल सकते हैं, एक ही पैटर्न पर, एक ही केवल एग्जाम का एक पेपर से व्यक्तित्व को, सारे व्यक्तित्व को माप कर देना सही नहीं है। व्यक्ति के अंदर बहुत सी क्षमताएं हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंट, एक बालक के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंट होता है, केवल एक पेपर पे नंबर ज्यादा न ला देने से उसका व्यक्तित्व को, व्यक्तित्व की निर्धारण नहीं हो सकता है। जैसे जंगल में सभी जानवरों को अगर दौड़ने के लिए कहा जाए कि दौड़ लगाइए, तो उसमें जो शेर है, हाथी है, भालू है, बंदर है, सब दौड़ रहे हैं, तो शेर तो बहुत तेजी से दौड़कर आगे पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब हाथी बेकार है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हाथी की भी जरूरत है, कहीं ना कहीं शेर की भी जरूरत है, सब विविधता है, डाइवर्सिटी, सबकी जरूरत है। जहां सुई का काम लगता है वहां तलवार काम नहीं कर सकता है, सुई का अपना अस्तित्व है, तलवार का अपना अस्तित्व है, सब अपने अपने जगह है। हम अपने बच्चे को जिस दिन नालायक कह देते हैं, मूर्ख कर देते हैं, तुम्हें वैसा होना चाहिए, तो तुरंत हम अपने बच्चे को जैसे ही कहते हैं कि तुम्हें उसकी तरह होना चाहिए, यानी आपका बच्चा क्या है, उसी समय बुद्धू हो गया, आइंस्टीन की तरह बुद्धिमान है होना चाहिए, न्यूटन की तरह होना चाहिए, यानी आपका बच्चा बुद्धू हो गया। अपने घर को हम जैसे ही कह देते वैसा घर होना चाहिए, वैसा स्त्री होनी चाहिए, वैसे लड़का होना चाहिए, तुरंत हमारे पास जो है वो खराब हो गया। सब सही है, सब अपने जगह सही है, किसी और की नकल करने की जरूरत नहीं है, अपने व्यक्तित्व को निखारने की जरूरत है। जैसे एक बार एक कौवा था, तो कौवे को ये हुआ कि हम तो बहुत काले हैं, और काश मैं हंस होता, हंस तो बहुत सुंदर है, एकदम व्हाइट कलर और पानी में हमेशा खुश है, वैसा होना चाहिए, एक साधु से कहता है। तो साधु ने कौवे से कहता है कि तुम अच्छा, हम तुमको बना देंगे हंस, जो कहो वो बना देंगे, एक बार तुम हंस के पास चले जाओ, उससे पूछ लो कि क्या तुम खुश हो। तो कौवा जाता है हंस के पास, तो जाके कहता है, अरे हंस भाई आप तो बहुत खुश हैं, एकदम व्हाइट कलर पूरा आपका है एक रंग, और पानी में हमेशा मस्त है। तो हंस कहता है कि अरे किस बात की खुशी, हम कहाँ खुशी है, हमारा तो ये कहीं सफेद रंग है, खुश तो तोता है, उसके पास बहुत सारा रंग है, एकदम क्या मस्त रंग है, भगवान उसको बढ़िया बनाए हैं। तो कौवा सोचता है अच्छा तोता बहुत खुश है, तो तोता के पास जाता है, तो कहता है क्यों भाई तोता आप तो बहुत खुश है, आपके पास बहुत कलर है, भगवान आपको बहुत सुंदर बनाए हैं। तो तोता कहता है कि अरे काहे का खुश हूं मैं, हम तो इसी कलर की वजह से लोग हमको पिंजरे में कैद कर लेते हैं, मैं उड़ भी नहीं पाता हूं, खुश तो
मोर है, उसके पास कलर भी अच्छा है, बड़ा है और लोग आते हैं उसको देखने के लिए, क्या घमंड है उसके पास। तो मोर के पास जाता है, मोर से पूछता है क्यों भाई आप तो बहुत खुश हैं, आपके पास कलर है, बड़ा पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी, बहुत आप तो बहुत खुश होंगे। बता किस बात की खुशी है, हमको तो यहाँ बड़े से उसमें बाड़े में बांध दिया गया है, रख दिया गया है, लोग आते हैं देखते हैं, हमारे ऊपर पत्थर मारते हैं, मैं तो बंधन में हूं, हम किस बात का मुझे खुशी है। तो बता तब कौन खुश है, खुश तो कौवा है, एकदम मस्त उड़ता है, कोई उसे मार भी नहीं पाता है, एकदम खुले आसमान में। तो कौवा को होता है अरे ये तो मुझे ही कह रहा है कि सबसे अच्छा ये है। तो जिसको हम खुद समझते हैं वो कितना दुख है, जिसको हम देखते हैं लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है लेकिन अंदर से वो कितना दबा हुआ है, कितना झेल रहा है, वो हम उस चीज को नहीं देख पाते हैं। हर लोग अपने अपने में सब सही है, 100 नंबर में देना है सबको, ईश्वर ने 100 नंबर में बांटा है। जैसे आप 80 नंबर अगर धन में ले लिए तो 20 नंबर में आपको सारी खुशियां मिलने वाली है, तो 20 ही नंबर में आपको परिवार सुख, बच्चों का सुख और बाकी और सारी चीजें 20 नंबर में ही तब देना पड़ेगा। आप अगर 40 नंबर में धन पे हैं तो 70 नंबर और आपको खुशियां, 60 नंबर में और बाकी सब खुशी मिलने वाली है। सबको बैलेंस बना कर रखे हैं, किसी को कोई ना कोई चीज की कमी और सबको कुछ ना कुछ ज्यादा, किसी को कम। ये 100 का आंकड़ा होता है, 100 पूरा करना है, 100 पूरा करने में अगर किसी को 50 है तो बाकी और चीज 50 पे है, किसी को 90 है तो 10 में बाकी चीज मिलने वाला है। 100 का आंकड़ा है तो उसमें सारे चीज को बैलेंस बनाकर रखे हैं, सुख दुख लेकर बाकी सारी चीजियां, आपकी आप कितना खुश हैं, आप कितना अपने परिवार को समय दे रहे हैं, सारी चीज 100 में ही बांट कर रखा गया है। तो कहने का मतलब हर बच्चा यूनिक है, उसके यूनिक पर्सनालिटी को डेवलप करना है, किसी बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना है। हर बच्चा, जब हम जो अच्छा नंबर पाता है, जो बालक अगर उसको लाकर उसको हम पीठ थपथपाते हैं, उसको बहुत पुरस्कार देते हैं, तो जो कम नंबर पाने वाला है तो उसके मन में बहुत सा ईर्ष्या भी तो जागृत होती है, उसके मन में भी देश होता है, क्यों ना हम अब ये नहीं देखते हैं कि वो कैसे पाया है 90% 95% किस तरीके से लाया है, कैसे लाया, उसको क्या माहौल मिला था। ठीक है लाया, अच्छी बात है, लेकिन हम छोटे जो हैं उनको भी आगे बढ़ने के लिए हमें माहौल तैयार करना है। वो जितना नंबर पाते हैं उस पर केवल नंबर देखकर उसी पर हमें तुम नालायक हो, तुम सही नहीं हो, तुम उसको देखो, ये नहीं करना चाहिए। उसके और विकास, उसको और माहौल दीजिए, और डेवलप करने की जरूरत है और उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।